नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M53 5G versus Oppo Reno 8 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M53 5G में 6.48 इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि M53 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो M53 5G में 3.03 इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि M53 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M53 5G में 176 ग्राम्स जबकि Reno 8 Pro 5G में 183 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि M53 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M53 5G में सुपर AMOLED प्लस जबकि Reno 8 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो M53 5G में 20:9 जबकि Reno 8 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M53 5G में 1080x2400 और Reno 8 Pro 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M53 5G में 85.46% जबकि Reno 8 Pro 5G में 90.61% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M53 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M53 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 8 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M53 5G में Mali G68 MC4 जबकि Reno 8 Pro 5G में Mali G610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M53 5G में MediaTek Dimensity 900 और Reno 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max मिलता है। बात करें RAM की तो M53 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Reno 8 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M53 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Reno 8 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो M53 5G में अप टू 1TB जबकि Reno 8 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी M53 5G में 5000 mAh जबकि Reno 8 Pro 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M53 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 28,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें रीनो 8 प्रो 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 45,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M53 5G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo Reno 8 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M53 5G आगे है, मेन कैमरा में M53 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में रीनो 8 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S20 FE है, दूसरा Vivo X60 है, तीसरा Realme GT 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।